हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SHM COIN COLLECTION। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे कलेक्शन में से एक फॉरेन कॉइन के बारे में। दोस्तों, 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश एम्पायर ने हमारी इस दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर राज किया था और उनके इसी शासनकाल के दौरान उन्होंने भारत के अलावा भी बहुत सारे और देश हैं जहां पर राज किए थे और वहां पर उन्होंने सिक्के जारी किए थे। यहां पर मैं आपको दो तरह के सिक्के बताऊंगा जो ब्रिटिश द्वारा जारी किए गए थे अलग अलग राज्यों में। ये जो पहला सिक्का है ये साउथ अफ्रीका में जारी किया गया था 1930 में और ये सिक्के का डिनोमिनेशन है 3 पेंस। 1930 में मेरे दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर किंग जॉर्ज 5th का शासनकाल था, उनके द्वारा ये सिक्का जारी किया गया था। ये सिक्का पूरी तरीके से चांदी में ढाला हुआ है और तकरीबन 9 से 10 ग्राम का ये सिक्का है। और अब ये अगला जो सिक्का है दोस्तों, ये भी ब्रिटिश एम्परर किंग जॉर्ज 5th के शासनकाल में ही जारी किया गया था। यहाँ आगे की तरफ आप किंग जॉर्ज 5th की तस्वीर बनी हुई देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है जॉर्ज 5th किंग एंड एम्परर ऑफ इंडिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिक्का जारी किया गया था हांगकांग के अंदर। हांगकांग में ये सिक्के को जारी किया गया था 1935 में और ये सिक्के का डिनोमिनेशन है 10 सेंट्स। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि ब्रिटिश एम्पायर इस दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर राज कर चुका था, तो ये दोनों ही सिक्के उस दौर के अलग अलग देशों में जारी किए गए सिक्के हैं और ये पूरी तरीके से चांदी में ढाले हुए सिक्के हैं। मैं दोस्तों हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे कॉइन कलेक्शन में से जो बहुत ही रेयर और मूल्यवान सिक्के हैं मैं आप सबको दिखलाऊँ और आप सबको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।